नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में। मैं एडवोकेट एंड लॉ लेक्चरर पंकज वाधवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज ऑन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जिसे हम किशोर अपचारिता कहते हैं। ये किशोर अपचारिता क्या होती है और ये किशोर कौन होता है? तो किशोर एक ऐसा व्यक्ति जो बाल्यावस्था से युवावस्था में कन्वर्ट होने वाली एक एज में आ चुका है। सामान्यतः यह 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच की आयु होती है, इसको जुवेनाइल कहा जाता है और जुवेनाइल को हिंदी में किशोर कहा जाता है। तो आज का टॉपिक है किशोर अपचारिता, उसके कारण और नियंत्रण। तो किशोर जो होते हैं एक ऐसी आयु होती है जो 18 साल से कम होती है और इस आयु में उसके खिलाफ अपराध की संभावना बहुत अधिक होती है और उसके बिगड़ने की संभावनाएं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक विशेष परिस्थिति ली हुई आयु होती है, एक ऐसी आयु विच इज कॉल्ड स्पेशल स्टेटस, एक ऐसी आयु होती है जिसमें स्पेशल स्टेटस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फिजिकली और मेंटली बच्चा अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है और इसीलिए वो आसान टारगेट होता है क्रिमिनल्स के लिए और क्रिमिनल्स उसे आसानी से अपराध की ओर धकेल सकते हैं। और चूंकि वो इमैच्योर है, इमैच्योर मतलब वो अभी परिपक्व नहीं है। अनुच्छेद 15(3) हमारा संविधान का जो है वो किशोरों के लिए स्पेशल लॉ बनाने का राज्यों को शक्ति देता है। 15(3) कहता है कि बच्चों के लिए राज्य स्पेशल कानून बना सकता है क्योंकि उनका स्टेटस डिफरेंट है और इसीलिए गवर्नमेंट ने अलग अलग बच्चों के लिए कानून बनाए थे। हमारे देश में चिल्ड्रन एक्ट 1960 में पारित हुआ था जिसे रिपील करके नया एक्ट बना दिया गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। 1986 के कानून के बाद 2000 का इसको रिपील करके 2000 का कानून बना दिया, जुवेनाइल किशोर न्याय अधिनियम 2000, और उसे भी रिपील करके वर्तमान में किशोर न्याय अधिनियम 2015 बनाया गया। तो वर्तमान में जो कानून चल रहा है वो 2015 का कानून अभी वर्तमान में प्रचलन है। हम सभी ने क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बारे में सुना था, दिल्ली गैंगरेप जो हुआ था 2013 का निर्भया कांड, उसके बाद से किशोरों के आयु में परिवर्तन की देश भर में मांग उठी थी और इसी को देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पारित हुआ, जिसमें यह कहा गया कि किशोर, ऐसे किशोर जो जघन्य अपराध करते हैं, हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उनकी आयु 18 ना होकर उनकी आयु 16 होगी। मतलब 16 से ऊपर का यदि कोई भी, 16 और 18 के बीच का व्यक्ति यदि कोई ऐसा जघन्य अपराध करता है तो उसे किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, वो सामान्य अपराधियों की तरह ट्रीट होगा, उनका सेपरेट ट्रायल नहीं होगा, उनके लिए सेपरेट जेल नहीं होगी। बाकी किशोरों के लिए सेपरेट ट्रायल होता है, इनका ट्रायल इन्हें विचारण अलग होता है, अलग कोर्ट होती है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जिसे हम बोलते हैं, और उसका जेल भी अलग होता है, जेल भी एक प्रकार से सुधारालय होता है, जेल नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे जो अपराधों में पार्टिसिपेशन करते हैं उन बच्चों को क्या कहा जाता है? डेलिक्वेंट चाइल्ड यानी बिगड़ा हुआ बच्चा, या चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ यानी जो बच्चे क्राइम में होते हैं, और इसके कॉजेज अनेक प्रकार के कारण होते हैं। सबसे पहली बात तो फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ एवरी पर्सन, परिवार जो होता है हर व्यक्ति की पहली पाठशाला होती है और फैमिली बैकग्राउंड जो होता है एक बहुत बड़ा कारण होता है। फैमिली बैकग्राउंड यदि उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही आपराधिक है, यदि गाली गलौज हो रही है, अपराध हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फैमिली से वो यही संस्कार सीखेगा। तो फैमिली के बाद वो यदि बाहर जाता है तो उसकी कंपनी और सर्कल, वो किन लोगों के साथ रहता है बालक, तो वो बालक जिन लोगों के साथ रहता है वहां से भी वो बिगड़ने की संभावना होती है, अपराध करने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। कई बार ड्रग्स और नशीले पदार्थों का सेवन करने से भी बच्चा बिगड़ जाता है और अपराध करने लगता है। फैमिली एजुकेशन फैक्टर भी होते हैं, यदि बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही, प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल रही, तो ये भी उसे अपराध की ओर धकेलता है। सोशल फैक्टर भी इसके लिए कई बार जवाबदार होते हैं, सामाजिक जो घटक होते हैं या इंडिविजुअल फैक्टर, यानी बच्चे की खुद की प्रकृति, खुद का स्वभाव कैसा है, ये सब बातें जो है उसे अपराध की ओर धकेलती हैं। और यदि वो अपराध की ओर चला जाता है तो उसे डेलिक्वेंट चाइल्ड बोलते हैं, और डेलिक्वेंट चाइल्ड का मतलब होता है अपचारी बालक। अब इसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए? तो सबसे पहला उपाय तो फैमिली कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, परिवार का नियंत्रण होना चाहिए। एक ऐसी आयु जिसमें विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है, और ये ध्यान किसे देना चाहिए? परिवार के सदस्यों को। तो पारिवारिक कंट्रोल जो होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है अगर डेलिक्वेंसी को दूर करना है तो। उसके बाद एजुकेशन सपोर्ट यानी शिक्षा की जो हमारी पद्धति है वो इस प्रकार से डेवलप की जानी चाहिए ताकि बच्चे उनका नैतिक विकास हो और अपराधों से दूर हो। इसके अलावा सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जुवेनाइल और चिल्ड्रन वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वर्तमान में, जिसे वेलफेयर कमिटी चलाती है, तो बच्चों के कल्याण के लिए अनेक प्रशासनिक और शासकीय प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये जो सब्सटेंस अब्यूज है, जो ड्रग्स है, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरे एफिशिएंसी के साथ इन ड्रग्स को बच्चों की पहुंच से दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए और दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। ट्रीटमेंट सेल बच्चों के लिए ओपन होनी चाहिए, प्रॉपर काउंसिलिंग हो, बच्चों को अच्छी परामर्श देने वाले लोग हों जो अच्छी उनकी काउंसिलिंग करें, और इनके लिए शेल्टर प्रोग्राम भी स्टार्ट होने चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इट्स कॉजेस एंड हाउ टू कंट्रोल एंड इरेडिकेट दिस। I think you enjoyed this lecture, and subscribe my channel Law Easy. Thank you so much.